इस वीडियो में बेसिकली जामिया मिल्लिया इस्लामिया की ओर से लेटेस्ट में अभी जो स्टूडेंट्स तीन टॉपिक पे ज़्यादा क्वेरी पूछ रहे हैं, एक तो वो डॉक्यूमेंट्स को लेकर भी और खासकर रिजल्ट्स को लेकर भी, एंड उसके बाद स्कोर कार्ड और स्पॉट एडमिशन। तो उससे पहले थोड़ा हम डॉक्यूमेंट्स को लेकर बताते हैं। ऑब्वियसली अभी मैं कैंपस में ही हूँ और यहाँ पे जामिया का डिप्लोमा का एडमिशन चल रहा है यहाँ पे। तो अभी मैं कुछ उसका थोड़ा शॉर्ट में भी एक वीडियो कह लीजिए या फिर एक सिंपल आपके कुछ पिक्चर्स भी आपको अपडेट करी जाएगी। खैर आते हैं सिंपल डॉक्यूमेंट्स पे। देखिए डॉक्यूमेंट्स जो है, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है उसी डॉक्यूमेंट्स को लेकर पहले आप यूनिवर्सिटी पहुँचिए। आपको नॉर्मली ये 90% मान के चलिए कि एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके लाइक मार्कशीट नहीं है या किसी के पास कैरेक्टर नहीं है। तो जो भी आपके पास है उस डॉक्यूमेंट्स के बेस पे आइए। हाँ, फिर ये कि वो आपसे मांगेंगे डॉक्यूमेंट्स जो नहीं आपके पास है, लाइक मार्कशीट या और भी पेपर हो सकता है, तो उसमें आप सिंपल उनको एक्सक्यूजेस दीजिएगा आसान से। ऐसा नहीं कि एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, उनको कहिएगा सर ऐसा अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन हाँ अगले 10 से 15 डेज में हम सबमिट कर देंगे। क्योंकि जामिया नॉर्मली ये होता है कि एटलीस्ट स्टूडेंट्स को 1 मंथ का मौका देते हैं कि भाई अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर लो। तो ये उन्हें स्टूडेंट्स के लिए जिनको डॉक्यूमेंट को लेकर इशू हो रहा है। अब इसके बाद अगर हम बात करें लाइक जैसे कि स्पॉट एडमिशन को लेकर, देखिए इस बार जो है स्पॉट एडमिशन का बहुत कम चांस है। मैं पहले ही कह रखा था, इस बार भी कह रहा हूँ कि स्पॉट एडमिशन इसलिए कम चांस है क्योंकि अभी जैसे कि आप देखेंगे आज से ज़्यादातर ऑब्वियसली अभी 10 to 12 अक्टूबर तक भी कुछ कोर्सेज का एडमिशन हुआ है, और आज भी आज से लेकर अगले 24 तक जो है एडमिशन चलने वाला है अलग अलग कोर्सेज का अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो इसमें यह है कि इस बार का जो स्पॉट एडमिशन का जो सीन है बहुत मुश्किल मेरे हिसाब से, लेकिन इनकेस अगर होता है तो आपको ज़रूर नोटिफाई किया जाएगा। लेकिन अगर आप इस पर डिपेंडेंट है कि चलो यार स्पॉट एडमिशन होगा उसमें पार्टिसिपेट कर ही लेंगे और शायद उसमें हो जाए, तो मुझे नहीं लगता कि आपको उस पर डिपेंडेंट होना चाहिए। बट होप फॉर द बेस्ट, आप वेट कर सकते हैं। तो ये उन स्पॉट एडमिशन, हाँ ये है कि इस बार जो है स्पॉट एडमिशन बेसिकली हम उम्मीद रख सकते हैं कि लाइक हिंदी का, संस्कृत का और बीवॉक सोलर एनर्जी का अंडर ग्रेजुएट में, पोस्ट ग्रेजुएट में कुछ वो कोर्सेज जिनके डिमांड कम है, जिन पे बच्चे कम ऑब्वियसली एग्जाम तो देते हैं लेकिन एडमिशन लेना पसंद नहीं करते, तो उन कोर्सेज का आ सकता है। इसके अलावा कोर पेपर जो भी है, जैसे इसके अलावा हम जिस भी पेपर का नाम नहीं लिए उसका स्पॉट एडमिशन होना बहुत मुश्किल है। इसके बाद हम बात कर ले रहे हैं स्कोर कार्ड पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि स्कोर कार्ड क्या सीन रहेगा। देखो अभी जामिया ऑब्वियसली अगर इधर देखें तो 3 से 4 दिन जो हॉलीडे रहा है, और इस बीच में हॉलीडे में कोई काम होता नहीं है। इवन जो कल भी जो है हॉलीडे ही रहेगा, आज जो है कॉलेज खुला हुआ है, आज एडमिशन चलेगा, कल फिर हॉलीडे रहेगा। तो स्कोर कार्ड को लेकर बात करें तो फिलहाल स्कोर कार्ड पब्लिश होना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अभी फिलहाल बहुत सारे कोर्सेज का रिजल्ट ही नहीं आया, लेकिन पिछले साल ऐसा हुआ था कि रिजल्ट पब्लिश होते भर में ही आपका स्कोर कार्ड आ गया था। तो ये मान के चले कि आपका स्कोर कार्ड अभी आने में टाइम लगेगा, और लगेगा तो मोस्ट प्रोबेबली आपके 25 अक्टूबर के आसपास आपके स्कोर कार्ड आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन कोर्सेज के रिजल्ट्स को लेकर जिसके अभी तक नहीं आए हैं, और वेटिंग लिस्ट वालों के लिए और सेलेक्टेड लिस्ट वालों के लिए। देखिए जिनका नाम सेलेक्टेड लिस्ट में है उनको तो ऑब्वियसली जो डेट बताया गया उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा, लेकिन जो वेटिंग लिस्ट में जिन कैंडिडेट का नाम आया उनके साथ सीन ये है कि उनको सेकंड लिस्ट का वेट करना पड़ेगा। अब सेकंड लिस्ट के लिए कब तक आपको वेट करना पड़ेगा ये कहीं मेंशन नहीं है, बस ये बताया कि आपको वेट करना पड़ेगा। क्योंकि जामिया का अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो कहीं भी मेंशन नहीं करा गया है कि वेटिंग लिस्ट कब आएगा। उसमें सिंपल ये कहा गया है कि अगर सीट वैकेंट रहेगा तो सेकंड लिस्ट आएगा। तो आप खुद को थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अपडेटेड रहिए, जैसे ही आपको आएगा अपडेट कर दीजिएगा। लेकिन ऐसे मान के चलिए कि जो फर्स्ट लिस्ट में जो एडमिशन का डेट दिया गया उसके जस्ट 1 हफ्ता या 10 दिन बाद आपके सेकंड लिस्ट आ जाएंगे। अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं वेटिंग लिस्ट वालों के लिए, क्योंकि बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट में भी इंटरव्यू हुआ है, इंटरव्यू लिस्ट के लिए, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज में अंडर ग्रेजुएट में भी इंटरव्यू हुआ और पोस्ट ग्रेजुएट में भी इंटरव्यू हुआ है। तो इंटरव्यू वालों के लिए या और भी कोर्सेज हुए ऐसी बात नहीं है, तो इंटरव्यू का जिस जिस कोर्सेज का सीन है उनका पहले इंटरव्यू होगा, उसके जस्ट 1 वीक बाद एटलीस्ट या 10 डेज के आसपास में आपके रिजल्ट्स आएंगे। अब आप कहेंगे उसका मुझे कहाँ पता चलेगा, तो जहाँ आपने रिजल्ट चेक करा था, जहाँ आपको ये पता चल पाया था कि हाँ भाई हमारा इंटरव्यू लिस्ट में आ गया, उसी के जस्ट नीचे जो है आपका उस लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट आ जाएगा, और उसी में ही आपका वेटिंग लिस्ट भी रहेगा और सेलेक्टेड कैंडिडेट, क्योंकि इस बार देख रहे हैं वेटिंग लिस्ट। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट मैंने बता दिया कि इस बार का सीन क्या होने वाला है। बाकी आपके जो भी क्वेरी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं, अदरवाइज आप कमेंट करिए, आपके रिप्लाई मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।